सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की और 2022 विषय पर न्यू टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन। आम लोगों को अधिकारियों से योजना के संबंध में पूछने की स्वतंत्रता है। सभी पदाधिकारी जनता की बात को सुने, उनके सुझाव को विभाग के पास भेजे। आम लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं तैयार की जाती है। ये बातें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने आज जिला प्रशासन द्वारा न्यू टाउन हॉल में सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक, प्रशासन गांव की और 2022 विषय पर आयोजित कार्यशाला के अवसर पर अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में आम लोगों की सहभागिता अपेक्षित है। केंद्र एवं राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है वो सभी लोगों के लिए है, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोगों द्वारा योजना के संबंध में पूछे जाने पर सरकारी अधिकारी भड़क जाते हैं। ये उचित नहीं है। अधिकारी लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक सिस्टम बनाएं, शिकायतों को सुनने के बाद उसका निष्पादन करें, कार्य में पारदर्शिता बरतें, नियम का अनुपालन करते हुए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करें। अपने दायित्व के प्रति जवाबदेही बने। आम लोग हैं इसलिए नियम बने हैं। नियमों का पालन करते हुए सभी के साथ बराबरी रखें, सबको साथ लेकर न्याय संगत निर्णय लें, इससे परिणाम अच्छे आते हैं। कार्यशाला में IIT ISM के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा कृष्णा ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 में भारत कैसा होना चाहिए पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर इंसान की क्षमता में विकास होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त होनी चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सेवाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने GDP, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, नीतिगत उपकरण, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, अपर समाहर्ता नंद किशोर गुप्ता, जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह, माननीय उपाध्यक्ष सरिता देवी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, DSLR सतीश चंद्रा, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, DSP मुख्यालय एक अमर कुमार पांडे, ADM सप्लाई सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, DPM JSLPS रीटा सिंह, श्रम अधीक्षक हरेंद्र कुमार सिंह, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड प्रमुख सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये गुड गवर्नेंस पर एक वर्कशॉप आज जिसका थीम है प्रशासन गांव की ओर, इस विषय पर एक कार्यशाला जो सभी स्टेक होल्डर गवर्नेंस के हैं, जिसमें सरकारी पदाधिकारी हैं, अलग अलग विभागों के जनप्रतिनिधि हैं, सिटीजन्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं उनको बुलाया है। और मेन थीम यही है कि जैसे गुड गवर्नेंस, कई बार हम लोग वर्ड की बात करते हैं लेकिन उसका क्या मतलब है, उसके अलग अलग क्या पैरामीटर हैं, क्या मानक हैं, कैसे हम लोग ये निर्धारित करें कि एक्चुअली हम लोग सभी की सहभागिता से, सभी के पार्टिसिपेशन से एक रिस्पॉन्सिव, समावेशी, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए काम कर रहे हैं, उस विषय पर आइडिया शेयरिंग का एक वर्कशॉप आज यहाँ पर था और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अपनी बात रखी है। और उद्देश्य यही है कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लोग सीखें, लोग जानें और लोगों को केंद्र बिंदु में रख के जो योजनाएँ बनती हैं उन तक उनका लाभ पहुँचे। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी पदाधिकारी कर्मी हैं, मीडिया के मित्र आप लोग हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग कैसे सुनिश्चित करें कि मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन से समाज को दे पाएँ, तो सबको सिनर्जी में लेके, सबको समावेशित करके, ये इस थीम के साथ आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और बड़ा अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा, अलग अलग जो बातें निकल के आई हैं उसमें लोग आगे अपने कार्य क्षेत्र में उसको लागू करें, ये उद्देश्य है इसका। तो सर कई सारे जैसे समस्याएं जो थे उसका निदान हो गया सर, क्योंकि 19 से 25 दिसंबर तक चलना है। नहीं, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक वर्कशॉप है जिसमें कि आइडिया शेयरिंग, अलग अलग जगहों से समस्याएं भी निकल के आएंगी, सुझाव भी आएंगे, बातें आएंगी, लोग नए नए आइडियाज़ देंगे, तो उनको हम लोग जो अलग स्टेक होल्डर्स हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं,